Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's class 3 science chapter 1 is living and non-living things. ठीक है, इस chapter में हम living और non-living things के बारे में पढ़ेंगे. We will study about the characteristics of living things and we will study about we will elaborate it a little bit. We have already studied in brief in class 1, but now we will study it in detail. Okay. So let's get started. There are many things around us. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं. Some of them are alive, while others are not. उनमें से कुछ जो है alive है, alive मतलब जिंदा, और कुछ जो है वो जिंदा नहीं है. The things that are alive are called living things. Okay? This is the definition of living things. Living things का ये definition है. The things that are alive are called living things. जो भी चीजें जो जिंदा हैं वो चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग. जो आपका ह्यूमन बींग हो गए मतलब इंसान, एनिमल्स यानी जानवर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लिविंग थिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन लिविंग थिंग. थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग. जो भी चीज़ें जो जिंदा नहीं है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है. ओके, थिंग्स लाइक स्टोन्स, रॉक्स, माउंटेन्स एंड सॉइल आर नॉट अलाइव. चीज़ें जैसे कि आपके हो गए पत्थर, रॉक्स आपका हो गया, माउंटेन्स पहाड़, मिट्टी या जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो सब जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग होती है. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट हाउ विल यू फाइंड आउट दैट द थिंग इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. अब आपको ये फाइंड आउट करना है आप कैसे जानेंगे कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग और द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. इसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जानना होगा लिविंग थिंग का. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. दिस वन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 1 दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीद, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस एंड लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल. मतलब लिविंग थिंग जो है वो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ब्रीद कर सकता है मतलब सांस ले सकता है, नीड फूड एंड वाटर उसको जिंदा रहने के लिए खाना और पानी की ज़रूरत होती है. ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो मतलब वो बढ़ सकते हैं, बड़े हो सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन फील वो फील कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं. रिप्रोड्यूस मतलब वो अपने ही जैसे एक सिमिलर यंग वंस को बना सकते हैं. एंड हैव अ लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल मतलब उनकी एक जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होता है. ओके, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल नाउ. बट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट have these characteristics or it does not show any of these features of living things. Non-living things के पास इनमें से कोई भी feature नहीं होता है. ठीक है, अगर कुछ होता भी है इनमें से कोई भी feature तो वो temporary होता है या किसी और चीज़ पर based होता है. okay? First one is living things can move मतलब living things जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. You can see in the image that the dog is running. okay? वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. क्यों? इन सर्च ऑफ फूड खाना पानी और अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए, साथ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे? अपने दुश्मनों से. ठीक है, एनिमल्स के अंदर आपके ह्यूमन बींग्स भी आते हैं बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल. ठीक है, तो आपके एनिमल्स के अंदर आपके बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं, आपके बर्ड्स भी हो गए उसमें, आपके डिफरेंट कैटेगरीज इंसेक्ट्स भी हो गए. सो लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन. ओके, यहाँ पे एनिमल्स के मूवमेंट को क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं. ठीक है, अगर सपोज योर टीचर कुड आस्क दैट व्हाट इज लोकोमोशन,
So you can define it as movement of animals from one place to another place is called locomotion. किसी भी जानवर का कोई भी movement जहाँ पे animal जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है उसको हम कहते हैं locomotion. Okay? Now, how do living things move? अब हमने देख तो लिया कि living things move करते हैं, लेकिन कैसे move करते हैं? Okay? Different animals have different way of moving from place to place. हर एक animal का, कुछ animals के अलग अलग तरीके होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. Okay? Like humans walk, run, jog and escape. Humans क्या करते हैं? इंसान क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वॉक करते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं. डियर, लियोपार्ड्स एंड बफेलोज वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. आपके डियर्स हो गए, लियोपार्ड्स हो गए, बफेलोज हो गए, वो क्या करते हैं? वो भी अपने पैरों के सहारे से चलते हैं या दौड़ के जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ओके, इस तरह के एनिमल्स में आपके काऊ भी हो जाते हैं, वो वॉक करके जाती हैं. ठीक है, कंगारूज एंड रैबिट्स हॉप यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स. कंगारू और रैबिट जो होते हैं वो हॉप करते हैं. हॉप मीन्स उछलना, उछल उछल के वो जाते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके. ओके, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स मूव बाय फ्लाइंग यूजिंग देयर विंग्स एंड लेग्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने पंखों को यूज करके, यानी उड़ते हुए जाते हैं या फिर चल के जाते हैं. ठीक है, इंसेक्ट आपकी एंट भी होगी, एंट आपकी उड़ती नहीं है तो वो अपने लेग्स को यूज करके जाती है. ठीक है, और आपका एग्जांपल हो गया फ्लाइंग इंसेक्ट में, आपका एग्जांपल हो गया मस्कीटो, वो उड़ के जाता है. आपकी हनी भी हो गई, वो उड़ के जाती है. ठीक है, वो अपने लेग्स का भी इस्तेमाल करती है चलने के लिए. फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स. फिश क्या करती है? वो स्विमिंग करते हुए जाती है अपने फिन्स और टेल्स की हेल्प से. ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है. बर्ड्स लाइक डक एंड गीज यूज देयर फिट टू स्विम इन वाटर. आपके बर्ड्स हो गए जैसे कि डक्स हो गया, गीज हो गया, वो सब क्या करते हैं? वो सब भी वाटर में स्विम करते हैं बट अपने पैरों की हेल्प से. ओके, उनके पैर जो होते हैं वो चपटे टाइप के होते हैं इस तरह के से, तो वो क्या करते हैं इसकी हेल्प से वो वाटर में स्विम करते हुए जाते हैं. ठीक है, फ्लोट करते रहते हैं. स्नेल्स, स्नेक एंड अर्थवर्म कैन स्लाइड और क्रॉल ऑन द ग्राउंड यूजिंग देयर मसल्स. स्नेक और स्नेल्स क्या करते हैं, अर्थवर्म्स क्या करते हैं? स्लाइड या क्रॉल करते हैं. ठीक है, जमीन में घिसटते हुए जाते हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, ये सब क्या करते हैं? अपने मसल्स का यूज करते हैं. ओके, सो ये सब हो गए डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. ओके, डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. ओके, ये हो गया आपके डिफरेंट वेज. अब जो होता है प्लांट्स भी शो करते हैं अपने मूवमेंट. ओके, दिस वन इज मूवमेंट इन प्लांट्स. ओके, वेरियस प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरह के प्लांट भी जो होते हैं वो अलग अलग मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, लाइक सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन. सनफ्लावर क्या करता है? वो सन की तरफ अपना फेस कर लेता है. ठीक है, जिधर भी सन जाता है आप देखोगे सनफ्लावर का फेस जो है उसी साइड है. सम प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट की तरफ झुक जाते हैं. ओके, दे फील द लाइट. ओके, तो ये हो गया उनका मूवमेंट. The leaves of mimosa plant close when touch. आपका एक प्लांट होता है mimosa plant, जिसे हम touch me not plant भी बोलते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? उसकी leaves को जब आप touch करोगे तो वो बंद हो जाती है. So this is also movement. The roots of plants move towards ground to absorb water. आपके जो plants के roots हैं वो भी नीचे की तरफ जो होते हैं वो move करते हैं. क्यों? जिससे कि उनको सफिशियंट वाटर मिल सके. ओके, अब वाटर अब्सॉर्ब करने के लिए. ठीक है, यू कैन सी इन द इमेज दैट द सनफ्लावर इज मूविंग टुवर्ड्स सन एंड दिस प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स. ओके, नाउ आर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज
लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, ओके, लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत पड़ती है, मतलब खाना और पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, लिविंग थिंग्स को खाना और पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज, खाना खाने से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और उससे हम डे टू डे एक्टिविटीज कर पाते हैं, ओके। एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स को जो अपना खाना मिलता है वो किससे मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपको प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। एनिमल्स लाइक काउ, डेयर, शिप एंड एलिफेंट ईट लीव्स एंड ग्रास, जो आपके एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, ठीक है, वो इस पे जिंदा रहते हैं। वाइल सम अदर एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड बियर ईट अदर एनिमल्स, जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। सपोज आपका ये हो गया प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये हो गया आपके फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओके, और ये आपका हो गया प्लांट, ठीक है। तो प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो है जिंदा है क्यों, क्योंकि वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स इसलिए जिंदा है क्योंकि वो डिफरेंट एनिमल्स को, दूसरे एनिमल्स के ऊपर रिलाई करते हैं ताकि वो जिंदा रहें। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है, किसी भी एनिमल, कोई भी एनिमल जो है वो प्लांट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। प्लांट्स cannot मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल्स फॉर फूड, अब एनिमल्स तो मूव कर लेते हैं, बर्ड्स मूव कर लेती हैं, बट प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे, दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वही एक एग्जाम्पल होते हैं जो कि लिविंग थिंग का, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, ओके। इन क्लास वन और क्लास टू वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट, दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं वाटर, एयर और सनलाइट की हेल्प से, लेकिन क्यों, क्योंकि वो उसी से अपना खाना बनाते हैं अपने लीव्स में, ओके। Here you can see in the image that here is, from here the sunlight is coming and the leaves are absorbing the sunlight and water from the soil, ठीक है, जो आपका leaves क्या कर रहा है, वो पानी भी soak कर रहा है और sunlight भी ले रहा है, ठीक है, उससे क्या करता है, plants release the oxygen and takes in the carbon dioxide, वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, इससे उनके लीव्स में खाना बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ओके। यू विल स्टडी अबाउट द होल प्रोसेस इन द नेक्स्ट क्लास, इन क्लास फोर और क्लास फिफ्थ, कि लीव्स में जो होता है क्लोरोफिल होता है, उसके कारण ये प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है, लिविंग थिंग्स जो क्या करते हैं, बढ़ सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम, सभी लिविंग थिंग्स जो है वो समय के साथ बड़े होते हैं। अ बेबी ग्रोज टू बिकम अ चाइल्ड एंड देन बिकम्स एन अडल्ट, एक बच्चा जो होता है वो बड़ा होते होते क्या बन जाता है, चाइल्ड हो जाता है और क्या होता है, अडल्ट बन जाता है, ओके। अ चिक हैचेस आउट ऑफ एन एग एंड ग्रोज टू बिकम अ हैन और रोस्टर, अंडे से जब एक चूजा निकलता है तो वो क्या बन जाता है, बाद में वो बड़ा होकर के या तो हेन बन जाता है या रूस्टर बन जाता है, ठीक है। रूस्टर मीन्स मेल हेन को बोलते हैं, ठीक है, मेल हेन को रूस्टर कहते हैं और लेडी हेन को हेनी कहते हैं, ठीक है। अ काफ ग्रोज इनटू अ काउ एंड अ कब ग्रोज इनटू अ लायन, जो काफ होता है वो बड़े होकर काउ बन जाता है और जो कब होता है वो बड़े होकर के लायन बन जाता है। टैडपोल्स ग्रो टू बिकम फ्रॉग्स, टैडपोल्स जो होते हैं छोटे छोटे जो मेंढक होते हैं एकदम, उनको हम टैडपोल्स कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो बड़े होके मेंढक बन जाते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग और अ बेबी प्लांट दैट फर्दर ग्रोज इनटू अ प्लांट, एक छोटा सा सीड जो होता है वो बाद में
निकल करके एक सीडलिंग में चेंज हो जाता है और फिर वो एक बड़ा प्लांट का रूप ले लेता है, एंड देन फ्रॉम प्लांट इट टर्न्स इनटू ट्री। ठीक है, धीरे धीरे वो बड़ा होकर के ट्री बन जाता है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज इन हाइट साइज एंड अपीयरेंस व्हेन दे बिकम ओल्ड दे डाई। लिविंग थिंग्स की एक और क्या बात होती है, एक और क्या फीचर्स है इसमें कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो समय के साथ अपनी हाइट को चेंज करते हैं, अपनी साइज को चेंज कर सकते हैं, हो जाते हैं, और उनका अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है, मतलब उनका जो लुक होता है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब वो मर जाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट दे हैव अ लाइफ स्पैन, मतलब क्या हुआ, इनकी एक लाइफ स्पैन होती है, लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, ओके, यू कैन सी इन द इमेज दैट दिस इज अ ह्यूमन ग्रोथ ऑफ इमेज। ओके, ये क्या है, ये ह्यूमन ग्रोथ का इमेज है। द बेबी टर्न्स इंटू अ चाइल्ड, स्लोली इट टर्न्स इंटू अ टीनेजर, देन इंटू अडल्ट, देन टू अ मैन, ओके, देन टू अ ओल्ड मैन, एंड इट डाइज आफ्टर इट। क्या होता है, बूढ़े होके वो मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से अपना लाइफ साइकिल ये चलता रहता है। ठीक है, सो दिस इज द ह्यूमन ग्रोथ। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। ओके, द सीड, हियर विल बी अ सीड, सीड टर्न्स इंटू अ सीडलिंग, ओके, देन स्लोली इट बिकम इंटू अ प्लांट, एंड देन टर्न्स आउट इंटू अ ट्री। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट इज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉग, मीन्स एनिमल्स ग्रोथ। ओके, दिस वन इज पपी। ओके, डॉग बेबी इज पपी, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द ईवीएस इन क्लास 1 or 2। फिर वो पपी से क्या बनता है, दिस इज, ये बड़ा होते 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 इट टर्न्स इन टू अ डॉग। ओके, ये क्या बन जाता है, डॉग बन जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग। ओके, वो कैसे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सांस ले सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स को सांस लेने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक फूड एंड वाटर, दे डेफिनेटली नीड एयर टू ब्रीथ, उनको एयर की जरूरत होती ही है जिंदा रहने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, वॉट डू यू फील। जब आप अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखोगे, ओके, तो आपको क्या फील होता है, वी फील आर चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, हमें फील होता है कि हमारा चेस्ट जो होता है वो अप डाउन कर रहा है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। ठीक है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ब्रीदिंग के कारण, हम सांस ले रहे हैं उससे। ठीक है, एयर कंटेन्स द ऑक्सीजन गैस विच द बॉडी नीड्स टू बर्न फूड एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। ठीक है, विच बॉडी नीड्स टू बर्न, जिसको क्या होता है, जिसको बॉडी को बर्न करना होता है। ठीक है, जो यूज होता है खाना खाने को बर्न करने के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, सो क्या होता है, हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं। ठीक है, वो लंग्स की हेल्प से। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन क्लास 2 दैट वी यूज आवर लंग्स टू ब्रीद। ओके, हम लोग लंग्स को यूज करते हैं ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, सो वो उससे क्या होता है, उससे हमारे बॉडी में जो खाना है वो बर्न होता है, क्योंकि उसमें भी हमारी एनर्जी लगती है, हमारा बॉडी एक्टिव रहता है, काम कर रहा होता है, और जो खाने में जो न्यूट्रिशन है वो रिलीज एनर्जी कर देता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज कर देता है। हियर वी हैव शोन द एग्जाम्पल, वी हैव शोन द डायग्राम। ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच एज काउ, कैट्स, शीप, गोट एंड टाइगर्स हैव लंग्स टू ब्रीद। ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या होता है, लंग्स होता है ब्रीद करने के लिए। ओके, ये ह्यूमन बींग का एग्जाम्पल है, इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है, दिस इज लंग्स। ओके, वी हैव टू लंग्स। ओके, दे टेक्स इन एंड टेक्स आउट ऑक्सीजन यूजिंग देयर नोज। ओके, हम लोग सांस लेना काम नोज से करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक वे है। ओके, एक्चुअली हम सांस लंग्स से लेते हैं। हम क्या करते हैं, वी इनहेल द ऑक्सीजन, ओके, एंड एक्सहेल द ऑक्सीजन, इनहेल द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द ऑक्सीजन। ओके, सांस खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं।
fish and some other animals that live in water use gills to breathe. जो animals पानी में रहते हैं वो क्या use करते हैं, वो gills को use करते हैं अपने पानी में सांस लेने के लिए. ठीक है, here you can see in the image, this is a fish and here it is its gills. Okay. Some insects such as cockroaches and grasshoppers breathe through air holes in their bodies called spiracles. Okay. जो कुछ insects होते हैं जैसे cockroach हो गए, grasshopper हो गए, उनके body में एक hole होता है, वो उसके through सांस लेते हैं. ठीक है, उन holes को हम क्या कहते हैं, spiracles. Okay. You will study about these in further classes. But right now, this is for your only understanding purpose that how animals breathe. Okay. The earthworm breathe through their skin. जो earthworm होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने skin के ही through breathe करते हैं. Okay. Now here we comes about plants. How plants breathe? Plants breathe through tiny holes in its leaves called pores and stomata or stomata. ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं, वो भी सांस लेते हैं. कैसे, उनके लीव्स में जो होता है एक छोटे से होल्स होते हैं. हियर यू कैन सी इन द इमेज, दीज आर होल्स. ओके, इन्हें क्या करते हैं, दीज आर कॉल्ड पोर्स और स्टोमाटा. इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पोर्स या फिर स्टोमाटा कहते हैं. ओके, सो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू इट्स लीव्स. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स फील, मतलब लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं. All living things can feel. Humans and animals can feel changes around them with the help of sense organ. Okay? Humans or animals अपने sense organ की help से feel कर सकते हैं अपने अपने आसपास के environment में जो changes हैं. ठीक है? We have already studied that eyes, nose, ears, tongue and skin are the sense organs. ठीक है? हमारे पास 5 sense organs हैं, वो कौन कौन से हो गए? Eyes, ears, nose, tongue and skin. Okay. With the help of these organs, we can feel the change in our environment. Okay. When we touch something hot, we immediately move away our hand. जब भी हम कुछ गर्म छू लेते हैं तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं. और when we feel cold, we cover ourselves with woolen clothes. या फिर जब भी हमें ठंड लगती है तो हम woolen clothes से अपने अपने आप को कवर कर लेते हैं. Okay. सो दिस इज द सेंस ऑफ फीलिंग. ठीक है, हम क्या करते हैं, ये सेंस ऑफ फीलिंग है, हम लोग फील कर सकते हैं. इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेज एंड बटरफ्लाई यूजेस देयर फीलर्स टू फील और सेंस. कॉकरोचेज और बटरफ्लाईज क्या करते हैं, अपने बॉडी में फीलर्स को यूज करते हैं. ओके, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन क्लास 1 दैट दीज टू एंटीना टाइप थिंग्स आर फीलर्स. ओके, ये दो चीजें एंटीना टाइप जो होती हैं, ये सब जो होती हैं फीलर्स होती हैं. ओके, इनको कहते हैं फिलर्स. सो बटरफ्लाई एंड कॉकरोचेज लाइक जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, वो इसी के थ्रू सेंस करते हैं, फील करते हैं अपने आसपास के एनवायरमेंट को. फिलर्स आर टू लॉन्ग पार्ट्स ऑन द हेड ऑफ सम इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट्स के हेड पर जो दो टू लॉन्ग पार्ट्स होते हैं, दिस वन आर कॉल्ड फिलर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू प्लांट्स फील, प्लांट्स को कैसे फील होता है, हम ये कैसे बताएंगे. Here you can see in the video that this plant is growing towards sunlight, towards the light, and here is mimosa plant or touch me not plant. Okay, when we touch it, it feels us, so that's why it closes its leaves. And here the plant is feeling the light. Okay, it feeling its heat, that's why it is growing towards it. Just like human beings and animals, प्लांट्स कैन ऑल्सो फील. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के तरह ही प्लांट्स भी फील कर सकते हैं. दे डू फील चेंजेस अराउंड देम बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स भी जो होते हैं वो चेंजेस को फील कर सकते हैं बट प्लांट्स के अंदर कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं बट प्लांट्स के पास नहीं होते हैं, बट स्टिल दे आर एबल टू फील. A plant can feel the sun and grow towards it. एक प्लांट जो होता है वो सन की हीट को या लाइट की हीट को फील कर सकता है और उसकी तरफ वो ग्रो करता है. ओके, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डैट सम प्लांट्स मूव टुवर्ड्स द सनलाइट.
कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर मुड़ जाते हैं. सिमिलरली सम प्लांट्स फील एंड ग्रो टुवर्ड्स द सन. अपॉन टचिंग द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट और मीमोसा प्लांट रिस्पॉन्ड बाई क्लोजिंग. जब भी हम मीमोसा प्लांट के या टच मी नॉट प्लांट के, जिसको हम हिंदी में छुई मुई प्लांट कहते हैं, उसके लीव्स को अगर आप टच करोगे तो वो तुरंत बंद हो जाती है. ओके, सो द प्लांट कैन फील आर टच. प्लांट को भी फीलिंग होती है कि कोई टच कर रहा है. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. ओके, वॉट डज मीन रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मीन्स गिविंग बर्थ टू सिमिलर यंग वन. ओके, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? मतलब अपने ही जैसे एक सिमिलर यंग वन को पैदा करना. ह्यूमन एंड एनिमल्स सच एज काउ, मंकी, डॉग्स, टाइगर्स, एलिफेंट एंड रैबिट्स गिव बर्थ टू बेबीज. ह्यूमन के साथ साथ कुछ एनिमल्स जैसे कि काउ, मंकी, डॉग्स, टाइगर, एलिफेंट, रैबिट्स जो होते हैं वो सब क्या करते हैं? वो सब जो है बच्चे को पैदा करते हैं. ठीक है, जबकि एनिमल्स सच एज बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स ले एग्स. जबकि कुछ प्लांट्स एनिमल्स हो गए जैसे कि आपका हो गया बर्ड, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड्स यानी छिपकली, वो सब क्या करते हैं? वो सब अंडे देते हैं, उसके बाद जो है बच्चे निकलते हैं उसमें से. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो इन टू न्यू प्लांट. अब प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? तो कुछ प्लांट्स के जो फल होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर, या वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं. ओके, तो वो सीड्स को लगा देने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करके वो भी एक प्लांट बन जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और रूट्स और लीव्स. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एक नए प्लांट को जन्म देते हैं अपने ही स्टेम से. ओके, या फिर अपने रूट से या लीव से. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज लिविंग थिंग्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ और लाइफ साइकिल. लिविंग थिंग्स का क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है या फिर लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र होता है या फिर जीवन रेखा होती है. द टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग थिंग लिव्स इज कॉल्ड अ लाइफ स्पैन. ओके, सो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन? द टाइम पीरियड मतलब एक ऐसा समय, एक जो तय समय होता है, जो एक फिक्स टाइम होता है, फॉर विच अ लिविंग थिंग लिव. ठीक है, जब तक लिविंग थिंग्स जो होते हैं जिंदा रहते हैं, जो भी टाइम पीरियड तक वो जिंदा रहे उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन. ठीक है, लिविंग थिंग्स बॉर्न, ग्रो, रिप्रोड्यूस, गेट ओल्ड एंड डाई फॉर सम टाइम. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं. सो दीज आर द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग बींग्स. ओके, ये सब क्या हो गया? लाइफ स्पैन हो गया इनका. हाउएवर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो सच लाइफ साइकिल. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऐसा कोई लाइफ साइकिल शो नहीं करते हैं या ऐसा कोई लाइफ स्पैन शो नहीं करते हैं. एन एलिफेंट लीव्स फॉर 70 ईयर्स, अ टॉर्टोइस लीव्स फॉर अबाउट 150 ईयर्स. जो एक हाथी होता है वो 70 साल जी सकता है, जो टॉर्टोइस होता है वो 150 साल जीता है. ओके, 150 ईयर्स जीता है. बनियान ट्री कैन लीव फॉर 100 ऑफ ईयर्स. बनियान ट्री जो होता है वो 100 साल तक या उससे भी ज़्यादा जी सकता है. ओके, जिंदा रह सकता है. ह्यूमन बींग्स वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं. ओके, सो लिविंग थिंग्स हैव लाइफ स्पैन ऑफ और लाइफ साइकिल. लिविंग थिंग्स के पास जो होता है एक समय होता है, वो उतने ही टाइम तक जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नॉन लिविंग थिंग्स वर वंस लिविंग थिंग. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है एक टाइम पर लिविंग थिंग्स होता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स का कोई भी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है. दे डू नॉट नीड एयर, वाटर, फूड एंड सो डू नॉट हैव लाइफ इन देम. ओके, उनको एयर की जरूरत नहीं, हवा की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, खाने की जरूरत नहीं है और उनका कोई लाइफ स्पैन भी नहीं होता है. सम थिंग्स डैट आर नाउ नॉन लिविंग वर वंस लिविंग. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अभी नॉन लिविंग थिंग है लेकिन कभी वो लिविंग थिंग हुआ करती थी. ओके, एग्जाम्पल इज टेबल्स एंड चेयर्स.
दैट मीन्स फर्नीचर्स. ओके, फर्नीचर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स है, बट एक टाइम पे वो लिविंग थिंग्स थे. कैसे? ये जो होते हैं टेबल्स चेयर्स फर्नीचर्स आर मेड ऑफ वुड दैट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग ट्री. ये सब क्या बनते हैं? ये सब लकड़ी से बनते हैं, ठीक है, वुड से बनते हैं. और वुड कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है, ठीक है. तो एक तरह से ये एक लिविंग थिंग्स का पार्ट था, ठीक है. कभी ये जिंदा हुआ करता था, ये नॉन लिविंग थिंग, ठीक है. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.